जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर दसवें स्कंद का 36वां अध्याय सुना रही हूँ। मन मोहन ने जब कियो दैत्य अरिष्ट विनिष्ट, गोप बाल प्रमोदित भये मिटे भूमि के कष्ट। राम श्याम के लेन को भक्त राज अक्रूर, भेजे ब्रज के कंस ने निज स्वार्थन भरपूर। सुनिए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस तरह ब्रज में उत्सवों की धूमधाम होने पर कंस की आज्ञा पाकर बैल की आकृति धारण करके अरिष्टासुर धरती को अपने खुरों से विदीर्ण करता हुआ कप कपाता हुआ ब्रज में आया। पूछे जिसने ऊपर को उठा रखी थी, बड़े जोर से दहाड़ता हुआ पैर पैर पर धरती को कांप कपाता हुआ सींगों के अग्र भागों से पहाड़ों को दहाता हुआ लेड़ा और मूत्र करता हुआ आधम का, जिसके भयंकर शब्द से गायों तथा स्त्रियों के गर्भ असमय ही गिर पड़े और बह गए, जिसकी टांग इतनी ऊंची थी कि मेघ गण पहाड़ समझ कर बैठ जाते थे। उसे पैने सिंगों वाले दैत्य को देख कोप और कोपिया को बड़ा डर होने लगा। पशुगण ब्रज में अपने रस्सों को तोड़ तोड़ कर उसके डरकने मारे भागने लगे। उस भयंकर बैल किसी आकृति के दैत्य को देख घबरा कर सब के सब गोप, हे कृष्ण इस तरह पुकारते हुए गोविंद की शरण में पहुंचे। भगवान बहस से घबराते हुए ब्रजवासियों को देख गोप गणों से बोले, हे गोप तुम घबराओ मत। इस प्रकार उन्हें समझा कर और दैत्य को ललकार कर बुलाने लगे, अरे ओ मूर्ख इधर मेरी तरफ आ, इन्हें गोप और पशु गणों को क्यों तू डरा रहा है। यह कह उनको क्रोध करते हुए कृष्ण भगवान ने लात ठोक कर अपनी दोनों भुजाएं असुर के सामने फैला दी और फिर अपने मित्र के कंधे पर हाथ रख कर वहां के वहां ही उनके सामने खड़े हो गए। दैत्य भी क्रोध होकर खुरों से धरती की धूलें उड़ाता हुआ कृष्ण के सामने दौड़ा, आगे को सिंह करके आंखों को चढ़ाता हुआ क्रोध भरी और टेढ़ी नजर से देखता हुआ इंद्र के छोड़े हुए ब्रज की तरह वह एकदम घुन्ना कर कृष्ण भगवान के ऊपर झपटा। भगवान कृष्ण ने आते ही उसके दोनों सिंह पकड़ कर 18 पैर पीछे को धकेल दिया। पीछे धकेले जाने पर भी फिर वह संभला और घुन्नाता तथा फुन्नाता हुआ कृष्ण भगवान के ऊपर टूटा। भगवान कृष्ण ने उसके सिंगों को फिर पकड़ लिया और पैरों की ठोकरों से उसे धरती पर गिरा दिया। धरती पर पड़े हुए उसको पैर से दबाकर गीली धोती के निचोड़ने की तरह उसके शरीर को ऐठने लगे और दोनों सींगों को उखाड़ कर और उन्हें से मार मार कर उनके प्राण निकाल दिए। धरती पर पड़ा हुआ वह मुंह से रक्त वमन करने लगा और पैरों को फड़फड़ाता हुआ लेड़ा और मूत्र करता हुआ मर गया। उस समय देवताओं ने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति की। इस प्रकार दैत्य को मार कर बल देव जी के सहित भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, जब कृष्ण ने दैत्यों को मार डाला तब एक दिन देव ऋषि नारद जी कंस के पास आए और
से बोले, हे कंस, आज तुम गर्भ से देवकी के कन्या उत्पन्न नहीं हुई थी, वह कन्या तो यशोदा की थी। इस समय यशोदा के पुत्र होकर जो प्रसिद्ध हो रहे हैं, वे कृष्ण देवकी के आठवें पुत्र हैं और बलदेव जी रोहिणी के पुत्र हैं। तुम्हारे डर से वासुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ उनको छोड़ रखा है। उन्हीं दोनों ने तुम्हारे दैत्यों को मारा है। यह सुने कंस मारे गुस्से के होठों को फड़फड़ाता हुआ वसुदेव के मारने के लिए तलवार उठाने लगा। तब नारद जी बोले, अरे कंस, वसुदेव को यदि तू मार डालेगा तो दोनों भाग जाएंगे, अतः वासुदेव को मारने से क्या लाभ है, उन वासुदेव से कुछ हानि नहीं है, तेरे काल स्वरूप तो वे दोनों ही हैं। इस तरह नारद जी ने समझा बुझा कर वासुदेव के मारने से रोक लिया, किंतु वासुदेव और देवकी दोनों को लोहे की श्रृंखलाओ से बंधवा कर कैद में पटक दिया। राजा परीक्षित, नारद जी जब चले गए तो कंस ने कैसे नाम के असुर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे कैसी, तुम ब्रज में जाकर उन दोनों कृष्ण बल देव को मार दो। कंस इस तरह कैसी को भेज कर बाद में मुष्टिक चानूर शैल कौशल आदि अपने पहलवानों तथा मंत्रियों और पीलवानों को बुला कहने लगा, हे चारुण, मुष्टिक आदि सूरवीरों सुनो, वासुदेव के पुत्र नंद के ब्रज में है। नारद जी ने मुझसे कहा है कि उन्हीं दोनों के हाथों से ब्रह्मा ने तुम्हारी मृत्यु बनाई है। मैं जब उनको यहाँ बुलाऊं तो तुम अपने मल्ल पन्ने के दाव पेचों से उन दोनों को मार डालना। मल्ल युद्ध की तैयारी होने दो। तरह तरह के पांचे और अखाड़े बनाओ। सबके सब शहर और गांवों के मनुष्य संग्राम देखे। हे पीलवन, तुम भी उस दिन रंग द्वार पर कुल लिया पीड़ हाथी को ले जाना। हाथी को पेल कर उन दोनों मेरे शत्रुओं को मरवा देना। चतुर्दशी को इसी कारण से धनुष यज्ञ का आरंभ कर दो। उनमें पशुओं के मांस से रुद्र भगवान को बलि देना। इस प्रकार कंस ने उन सबको समझा बुझा कर अक्रूर को बुलवाया और उनके हाथ को अपने हाथ से पकड़ कर कहा, हे अक्रूर, तुम मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हो, इसीलिए तुम एक काम करो कि नंद के ब्रज में जाओ और वहां वासुदेव के पुत्र कृष्ण बलदेव दोनों को रथ में बैठा कर यहाँ ले आओ। उन्हें दोनों से देवताओं ने मेरी मौत बनाई है, इसीलिए हे अक्रूजी, तुम्हें भेंट लेते हुए नंद आदि गोपगणों के साथ उन दोनों को लिवा लाओ। यहाँ आने पर दोनों को काल जैसी बलि कुवलिया पीड़ हाथी से मरवा दूंगा। अगर इससे भी बच गए तो इन मल्लों से मरवा दूंगा। उनके मर जाने के बाद उनके बंधु वासुदेव आदि वृषिण वंशी और भोज वंशी को तथा राज्य को चाहने वाले अपने वृद्ध पिता और देवक को एवं जो मुझसे द्वेष करते हैं सबको मार दूंगा। इनके मरने से यह पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी। जरासंध मेरा गुरु है ही, दिवेद शंवर नरकासुर ये सब मित्र है ही।
इनसे सब देवताओं के पक्ष में रहने वाले अन्य सब राजाओं को मरवा डालूंगा। इसीलिए हे अक्रूर जी, यह बात जानकर धनुष यज्ञ की शोभा दिखाने तथा मथुरा की शोभा दिखाने उन दोनों को तुम शीघ्र ले आओ। अक्रूर जी बोले, तुम्हारा यह विचार अपनी मौत से दूर करने के लिए बड़ा ही उत्तम है, परंतु सिद्ध होना न होना देव के अधीन है। यह मनुष्य देव से बिगाड़े हुए मनोरथों के भी पूर्ण करने का प्रयत्न करता है और उन कार्यों में हर्ष शोक भी उसे मिलते ही रहते हैं, किंतु फल तो देव के अधीन ही है। फिर भी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस इस प्रकार अक्रूर जी से कह कर अपने घर गया और अक्रूर जी भी अपने घर चले गए। 36वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 37वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की, जय श्री कृष्ण।